is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. मैं जा रहा हूँ पार्ट टाइम जॉब ढूंढने हेनरी स्ट्रीट पे. ओके, देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है. मैनेजर्स को देकर आ जाऊंगा मैं सीवी. अब बाकी किस्मत के ऊपर है. पीपीएसएन का मैं भी वेट कर रहा हूँ. मैंने अप्लाई कर दिया है तो मैं उनको यही बोलूंगा कि मैंने अप्लाई कर दिया है, आप चाहे मेरी सैलरी थोड़ी लेट दे देना पर पीपीएसएन के साथ ही देना अभी स्टार्टिंग में. ओके, चलो चलते हैं. क्या है पार्ट टाइम के लिए, आपको ओपन माइंडेड होना है. ओपन माइंडेड इसलिए होना है बिकॉज अब मैं इंजीनियर हूँ. अब मुझे पता है कि मुझे शायद ही अभी जॉब मिले इंजीनियरिंग के लिए बिकॉज मैं स्टडी वीज़ा पे आया हुआ हूँ और पार्ट टाइम 20 आवर्स ऑफिशियली हम जॉब कर सकते हैं तो शायद ही मुझे कोई जॉब मिलेगी. तो अभी आप जब पढ़ने आए हो तो फोकस पूरा स्टडी पे रखो है और पार्ट टाइम अपने खर्चे निकाल लो, अपने एकोमोडेशन के खर्चे निकाल लो. तो इसलिए जॉब कोई सी भी मिले ले लेनी चाहिए इनिशियली और साइड बाय साइड और भी अच्छी जॉब ढूंढते चलो. इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करते चलो, क्या पता आपको इंटर्नशिप मिल जाए. यू नेवर नो, पेड इंटर्नशिप मिल जाए तो कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ तो मिले, थोड़ा सा खर्चा निकले अभी जो हो रहा है तो देखो क्या होता है. बाकी मैं अभी पीपीएसएन का वेट कर रहा हूँ और मेरा प्लान है कि मैं सिक्योरिटी जॉब करूँगा. उसके लिए मुझे लाइसेंस लेना होगा और जब लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग करनी होती है तो ट्रेनिंग में पीपीएसएन की ज़रूरत होती है. तो इसलिए अभी के लिए फ़िलहाल मैं पहले पीपीएसएन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कैश पे मैं अभी जॉब नहीं करना चाह रहा बिकॉज मैं सेफर साइड पे रहना चाहता हूँ. अब बाय सेइंग सेफर साइड मींस कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जो मुझे क्वेश्चन में या कटघरे में खड़ा कर दे और मुझे डिपोर्ट करने की नौबत आ जाए. हालांकि ऐसा होता नहीं है, सही है, पर स्टिल एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना और अपने आप को सेफर रखना, अपनी प्रोफाइल को सेफ रखना बिकॉज बहुत कुछ लोग दाव पे लगा के आए हुए होते हैं इंडिया से. तो क्यों ऐसे काम करना जो लीगल नहीं है, गलत भी नहीं है एक्चुअली में, पर रिस्क नहीं लेना यार. चल रही है ना लाइफ सही, कोई बात नहीं, एक वक्त की रोटी खा लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे अभी तो नहीं लेंगे एटलीस्ट जब तक स्टडी नहीं हो जाती. बाकी देखो क्या होता है, मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा. ओके, मीन टाइम जब तक मैं पहुंचता हूं हेनरी स्ट्रीट तो मैं आपको एक फ़ायदा बताता हूं. देखो जो मैंने एक सीवी की रिज्यूमे की पार्ट टाइम रिज्यूमे की वे वीडियो बना रखी है, आप चाहे मेरे आयरलैंड की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो. यहां पे फ़ायदा है. अब मुझे क्या किया, मेरे पास पड़े हुए हैं बहुत सारे सीवी ऑलरेडी, मैं इंडिया से ही प्रिंट आउट करवा के ले आया था. ओके, और अब मुझे क्या है कि मैं नहाया धोया, मैं जिम गया था फिर नहाया धोया और मैं बिना सोचे समझे मैं निकल गया पार्ट टाइम के लिए जो सर्च करने के लिए, क्योंकि मैं सीवी देना है और सीवी है मेरे पास. तभी मैं आपको कह रहा था कि ऑलवेज बी रेडी विद योर फ्यूचर स्टफ्स. अगर आप प्लान करके चलोगे यू विल बी इन अ वेरी गुड स्टेट, इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन. ओके, अब मुझे एक्चुअली ये तो सोचना है कि मुझे पहले प्रिंट आउट निकालना है फिर उसके खर्चा करना है, नहीं. आई हैव द सीवीज प्रिंट आउट विद मी और मैं वो हैंड ओवर कर दूंगा स्टोर मैनेजर्स को. देखो आई एम बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक हियर, लेट्स सी किस्मत में होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही. ओके, ऑनलाइन भी अप्लाई किया था पर ऐसे रिस्पॉन्स आते नहीं हैं. इट्स बेटर कि आप अपने आसपास देखो तो ज़्यादा सही, बिकॉज मेरे
मेरे अकोमोडेशन के वॉकिंग ड्यूरेशन में ही लाइक 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर आपको पार्ट टाइम मिल जाती है, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ट्रैवल के पैसे भी बच गए और ख़त्म करके काम जल्दी से आप घर पे भी पहुंच जाओगे। ओके, देखो क्या होता है, आने वाला हूँ मैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अभी वैसे बता दूँ, मैंने एक टॉयज स्टोर है बच्चों का, उस पर मैंने CV शेयर कर दिया है। सो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो मेरे लिए एक रिस्ट्रिक्शन है, शायद कई लोगों के लिए हो रिस्ट्रिक्शन ये वाली, कि मैं एगिटेरियन हूँ, मतलब कि मैं वेजिटेरियन हूँ पर मैं एग खाता हूँ, नॉनवेज नहीं खाता, ना मैंने कभी खाया और ना कभी प्लान है खाने का। तो उससे होता क्या है, पार्ट टाइम जॉब में आपके लिए एटलीस्ट वो जॉब्स तो ख़त्म हो जाएंगी जिससे आप में नॉन, जिस जहाँ पे आपके पास नॉनवेज होगा। तो मैं नहीं उठा सकता नॉनवेज की कोई भी चीज़। सो जो भी फूड स्टोर्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे नॉनवेज सेल होता है, मेरे लिए कम्प्लीटली वो नो है, बिग नो। चाहे मुझे अपने सेविंग ही क्यों ना खानी पड़े, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन विद दैट। सो आपके लिए ऐसे तो 50% जॉब तो ऐसी ख़त्म हो गई पार्ट टाइम की, 50 नहीं मतलब 20% कह सकते हो आप, कि फूड स्टॉल्स जो होते हैं या फूड शॉप्स होती हैं या फिर रेस्टोरेंट्स होते हैं या फिर आपकी सुपरमार्केट्स हो गई, वहाँ पे भी आप नॉर्मल रखा हुआ होता है। तो मैं नहीं प्रिफर करूँगा वहाँ पे जॉब करना पार्ट टाइम, इतनी कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मीट उठाना पड़ जाए। सो आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट डूइंग दैट स्पेशली। सो मैंने कहा ये आपको शेयर कर दूँ, बिकॉज शायद आपके पास भी कभी ना कभी ये सिचुएशन आएगी, या आप कभी ना सोचो और इस पॉइंट को सोच के आपके माइंड में आ जाए। मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। बाय द वे, एक जगह CV दे दिया है मैंने, आई एम प्लानिंग कि 4 जगह और CV दे दूँ और फिर आई विल हेड बैक टू माई अकोमोडेशन, फिर खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं। ओके, and I am having this one chocolate and pineapple from Dino's Gelato. Let's try this. अभी मैं आपको बताऊँ, मैंने आइसक्रीम खा तो ली, काफ़ी बड़ा कप था, आधा तो मुझे फेंकना पड़ा, ठंडी थी। सही है, अगर गले की लग गई ना मेरी, पहले तो पापा मारेंगे मुझे फिर मम्मी, है ज़्यादा आग लगी, एक तो ठंड है ऊपर से आइसक्रीम खा ली। मैंने कहा टेस्ट करना था यार मुझे, सही है, मुझे कुछ गर्म चीज़ देनी चाहिए थी एक्चुअली। चलो एनीवेज कोई नहीं, गरम गरम दूध पी लूँगा, घर जाके ठीक हो जाएगा, गला नहीं ख़राब कराना अपना बिल्कुल भी। ओके, देखो अभी मैंने 4-5 जगह CV दे दिया है अपना, आई होप कि कोई कॉल आए। ओके, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे का मैंने ओपन रखा है। अच्छा मैं बता दूँ, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मुझे पता चल चुका है कि मेरे 3 दिन क्लासेज होंगी, मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, कम्प्लीट डे, लाइक टोटल 12 आवर्स रहेंगे मेरे पूरे वीक में जो मुझे स्टडी करना है यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें वो जो 12 आवर्स है वो डिवाइड किए गए हैं मंडे ट्यूसडे वेनसडे में। सो कुछ आवर्स मंडे, कुछ आवर्स ट्यूसडे और कुछ आवर्स वेनसडे, और उसी दिन मैं पढ़ाई कर लिया करूँगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मैं अपना पार्ट टाइम करा करूँगा, जिसमें मेरा स्टूडेंट एम्बेसडर जो मेरे पार्ट टाइम लगी है यूनिवर्सिटी के अंदर ही, वो भी इंक्लूडेड है। तो इस दिस कमिंग थर्सडे फ्राइडे आई एम बुक्ड विद स्टूडेंट एम्बेसडर विद टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी TU Dublin। और बताता हूँ मैं आपको आगे बाद में। चलो मैंने 5-6 जगह CV दे दिया है, 2-3 ईमेल ID भी ले लिया है जहाँ पे मुझे शेयर करना है घर जाके। ओके, आज का दिन मैं ऐसे ही क्लोज कर देता हूँ, अभी मुझे घर जाके खाना वाना बनाना है, सब्जी काटनी है, खाना बनाना है, फिर खाना है, फिर अपना मैं वीडियो भी एडिट करूँगा, और मुझे यूनिवर्सिटी से भी मेल आई हुई है, मुझे उस चीज़ को भी देख के सिस्टम सेटअप करना है सारा। खाली तो बैठने का टाइम ही नहीं है भाई साहब, पहले होता था सही। चलो मिलते हैं यार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, होप टू सी यू सून हियर, टेक केयर। भगवान कृष्णा हर जगह पे है भाई साहब, इस्कॉन कम्युनिटी।